हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से, आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे मैंने कहा मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। इस रीडिंग में अगर आप आए हो तो कोइंसिडेंस नहीं है ये, ठीक है? आपको डिवाइन इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, तो कुछ तो मैसेजेस इस रीडिंग में आपके लिए हैं, है ना? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने मैसेज को रिसीव करने के लिए कमेंट में इस आई क्लेम लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को भी क्लेम कर सकें और इस मैसेज को भी रिसीव कर सकें। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, नेक्स्ट यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स। बेबी, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोरियक साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, ठीक है? एंड अभी और भी जोरियक्स आएंगे, हम और जोरियक्स की बात करेंगे, लेकिन ये जो रीडिंग्स होती हैं ये सभी जोरियक साइंस के लिए होती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप की एनर्जी है, फाइव ऑफ सोड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के सप्रेस्ड इमोशंस नजर आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस यानी कुछ तो मिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है? कुछ तो है ऐसा हिडन जो आपके पार्टनर ने अभी तक आपको नहीं बताया है, ठीक है? तो कुछ तो मिस्ट्री यहाँ पर है, कोई तो ऐसी सच्चाई है जो अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाई है, तो वो एनर्जी मैं सबसे पहले यहाँ पर देख रही हूँ। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी उन मिस्टीरियस चीजों को बताती है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी उन छुपे हुए राज को बताती है जो अभी तक आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया है, ठीक है? तो वही एनर्जी यहाँ पर है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है? ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये कोई उनका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो कि एक बड़ी एज ग्रुप का है, ठीक है? और वो पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? ऐसा ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है ना, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये इतना ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस में है ना थर्ड पार्टी के, कि आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएंगे, ठीक है? बहुत नाराजगी है इनके दिल में आपको लेकर। मे बी आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, इल्यूजन्स फॉर्म कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप गलत हो कुछ चीजों में, ठीक है? और वो गलत आपको साबित करा गया है उस इन्फ्लुएंस के थ्रू, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के थ्रू। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे थर्ड पार्टी जिन्होंने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है। सेकेंड सिचुएशन में थर्ड पार्टी कोई आपके पार्टनर की रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? अब अगर आपके पार्टनर की कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली फिर वो आपको पता होता है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये चीज़ आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है, लेकिन आपको उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में कहीं से तो पता चला है, ठीक है? किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या आपने खुद उन पर नजर रखकर उस थर्ड पार्टी के बारे में पता करा है। और लिटरली जब आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में पता लगा तो आप बहुत ज्यादा टूट गए थे, आपको बहुत दर्द बहुत तकलीफ से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ा, ठीक है? तो जो भी थर्ड पार्टी है उसकी असलियत जब आपके सामने आई ना, तो आप एक डार्क साइड या डार्क एनर्जी में जैसे चले गए थे, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गए थे, बहुत ज्यादा
लाइक आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बहुत ज्यादा रोना आपको आया था, ठीक है, तो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, तो उसके बारे में भी आपको आपके पार्टनर ने नहीं बताया, ठीक है, इट इज दैट एनर्जी कि उस थर्ड पार्टी के बारे में आपको आपके पार्टनर ने नहीं बताया, वो चीज आपको किसी और के थ्रू जैसे पता लगी हो ना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है. ओके, एंड आपके पार्टनर से जब आपने उन चीजों को लेकर क्लैरिटी मानी ना, मांगी, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं थे. मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने डिनाई कर दिया कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो जो भी थर्ड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रेंड है, या सिर्फ और सिर्फ उनसे उनकी बातचीत होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. तो जो भी थर्ड पार्टी थी, आपको आपके पार्टनर ने उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करा, उल्टा आपको ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, उल्टा आपको ही ये साबित, ब्लेम आप पर डाला, उल्टा आपको ही ये साबित करने की कोशिश करी कि गलत आप हो. गेटिंग मी? तो जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में रही है ना, ठीक है, रोमांटिक पार्टी, आपके पार्टनर अभी तक उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर आप पर ही ब्लेम डाल रहे हैं. ये पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन के मामले में ही नहीं, बल्कि हर मामले में ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, अपने आपको गलत ये साबित होने ही नहीं देते हैं. ये कम्युनिकेशन के एकदम वो होता है ना कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है आपके पार्टनर की, कि ये पर्सन जो है बातों को कैसे संभालना है, कहाँ पर कौन सी बात बोलनी है. बहुत स्मार्ट, बहुत वाइज पर्सन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है, ठीक है, बहुत वाइज है, ठीक है. ये पर्सन बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग मैनिपुलेटर, एक कंट्रोलर हो सकता है, जो कि आपको अभी तक कंट्रोल करते हुए आए हैं, अपनी गलतियों का ब्लेम भी आप पर ही डालते हुए आए हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आते हुए ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया, ठीक है. अब ये थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक पार्टी है तो उसके थ्रू, या थर्ड पार्टी अगर उनका कोई फैमिली मेंबर या कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड सिचुएशन है, जो कि उनकी करियर, उनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप को एक सैक्रिफाइस देखना पड़ा है. तो जो भी थर्ड सिचुएशन है, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप आया है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ. लेकिन फिलहाल अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बिल्कुल चुप हो चुके हो, ठीक है. अब आप, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ. यू आर नाउ अ मैच्योर पर्सन, ठीक है. पहले क्या चीज था ना, आप एक ओवर इमोशनल पर्सन थे, यानी आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई थे, तो आप एक ओवर इमोशनल पर्सन थे. हर किसी की हेल्प करना, काइंड नेचर कहीं ना कहीं आपका रहा है, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, ठीक है ना. अब आप जो हो ना, एक प्रैक्टिकल पर्सन, एक स्ट्रांग पर्सन की तरह मतलब निकले हो. ये पर्सन भी पता है आपकी लाइफ में क्यों आया है? आप भी कहीं ना कहीं सोचते होगे ना कि ये पर्सन क्यों आया है आपकी लाइफ में. ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आप उन लेसन्स को सीख सको जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है. आप सेल्फ लव करना सीख सको, आप खुद को प्रायोरिटी देना सीख सको, ठीक है. आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो सको, ठीक है. आप जो हो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो सको, ठीक है. तो डेफिनेटली जब हम एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होते हैं ना, तो जो हमारा ट्विन फ्लेम होता है ना, वो हमें कई लेसन सिखाता है, कई लेसन सीखने को मिलते हैं हमें अपने ट्विन फ्लेम से. ओके, एंड ऐसा ही आपके सिचुएशन में भी है. आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और जो ये आपका ट्विन फ्लेम है ना, आपका सोलमेट है, ये आपको कई तरीके के लेसन सिखा रहा है, ठीक है. आपको वो पर्सन बना रहा है जो डिवाइन, जो यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है. तो ये आपको लेसन मिल रहे हैं, इन लेसन से सीखो, अभी भी वक्त है, ठीक है. इन लेसन से आपको सीखना है और प्रैक्टिकल बनना है, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखना है. मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप करियर, फाइनेंसेस में भी ग्रो कर रहे हो, या फिर अगर अभी तक आप अपने करियर और फाइनेंसेस पर फोकस नहीं कर रहे हो ना, आपको करना चाहिए. आपको लिटरली अपने करियर और अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना चाहिए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिली है. ओके, चलिए बैक टू द पार्टनर. अगर पार्टनर के बारे में और बात करें यहाँ पर, तो मुझे उनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, देखो हाईली इगोइस्टिक पर्सन है, एटीट्यूड में बैठे हुए एक जगह पर, बस अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, ठीक है. बट अंदर से है, अंदर से ये इस चीज का एहसास कर पा रहे हैं, अंदर से गिल्टी है कि मैंने कुछ गलत करा, ठीक है, मैंने किसी को, मैंने इसको धोखा दे दिया है ना. तो अंदर से गिल्टी जरूर है, अंदर से एक पछतावा जरूर है, लेकिन ऊपर से ऐसे हैं कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है. दो रूप है आपके पार्टनर के, लिटरली यहाँ पर दो रूप मुझे उनके नजर आ रहे हैं, जहां पर एक रूप में तो बहुत ही आपको जो रूप दिखा रहे हैं, आपको जो अपनी साइड दिखा रहे हैं ना, उसमें बहुत ईगोइस्टिक है, प्रैक्टिकल है, एटीट्यूड वाले हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, ठीक है. लेकिन अंदर से
अंदर से इस पर्सन को बहुत गिल्ट है, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अंदर से पछतावा है अपने की गई गलतियों का, एहसास है, ठीक है, उस एहसास से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, अंदर से मेंटली डिस्टर्ब्ड यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, एक बर्डन है माइंड में कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, अब क्या होगा आगे, ठीक है, एक डर है इनके दिमाग में कि कहीं आपको खो ना दे हमेशा के लिए, ठीक है, अंदर से बहुत इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस है आपके पार्टनर में जिनको ये अभी तक सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं, ओके, आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं आपको इमोशंस, क्योंकि अगर आपको इमोशंस दिखाए, ठीक है, तो आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, फिर इनकी ईगो, इनकी प्राइड, उनका क्या होगा, इनकी प्राइड और ईगो तो झुक जाएगी ना, और ये झुकाना नहीं चाहते अपने प्राइड और ईगो को। और चेकआउट करते हैं, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर के बारे में। देखो सबसे पहले नाइन ऑफ पेंटिकल है, लवर्स आ गया यहाँ पर, और थ्री ऑफ वैंड्स आ गया, ओके, दिस इज सिक्स ऑफ वैंड, द मून, एस ऑफ कप, ठीक है, मजिशियन, ऑल ज़ोडियक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं और टेम्परेंस है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ देखो आप डील कर रहे हैं उनके सारे ज़ोडियक साइंस हो सकते हैं, मजिशियन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडियक साइंस यहाँ पर है। यहाँ पर भी मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ ना जहां पर इन्हें ऐसे लग रहा है कि इमोशनली आप दोनों जैसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है, इमोशनली जो अभी तक आप अटैच थे, एक बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, कनेक्टेड थे आप दोनों एक दूसरे से, तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डिटैचमेंट आ रहा है आप दोनों के बीच में, ओके, और इनकी प्रॉब्लम ये है, ये ना अपने इमोशंस को रिलीज नहीं कर रहे हैं, यानी अपने इमोशंस को आप तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस कर कर रखा हुआ है, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि नहीं अपने इमोशंस तो आपके सामने रखने ही नहीं है जैसे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इमोशंस अपने अंदर दबाकर जब कोई पर्सन रखता है ना तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत एंगर आ जाता है उस पर्सन के अंदर, ठीक है, तो वही चीज में उसी एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे देखने को मिल रहे हैं, एक डिस्ट्रक्टिव सी एनर्जी है इनके आसपास, मतलब देखो इनकी ना सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये पर्सन की लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली देखा जाए तो अच्छा नहीं चल रहा है, इनके घर में भी कोई पर्सन सही नहीं है, मे बी कोई है इसके घर में ऐसा पर्सन जिनको हेल्थ इश्यूज से डील करना पड़ रहा है, एंड ये पर्सन के ऊपर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डन है, ठीक है, ऑलरेडी है, तो ये किसी तरीके के चैलेंजेस और प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं इस समय, ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज देखने को मिल रही है, और ऐसे समय में इनको क्या करना चाहिए, ऐसे समय में ये सिर्फ इनके लिए गाइडेंस नहीं होगी, आपके लिए भी है ये गाइडेंस, तो आप इस गाइडेंस को जरूर एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये गाइडेंस ऐसी है कि जहां पर इस व्यक्ति को ना थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए, ओके, थोड़ा रुक कर, थोड़ा शांति से बैठ कर सोचना चाहिए, क्लैरिटी से सोचना चाहिए, है ना, जब हम अपने एक अकेले में स्लो डाउन होकर क्लैरिटी से जब हम सोचते हैं ना तो ही हमें क्लैरिटी मिलती है ना, तो इस पर्सन को जरूरत है कि थोड़ा सा स्लो डाउन होकर ना सोचें, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर के बारे में सोचें, या इन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचें, जब तक ये खुद नहीं सोचेंगे ना, जब तक ये पर्सन थोड़े स्लो डाउन नहीं हो जाएंगे, तब तक आई डोंट थिंक सो कि इनको क्लैरिटी मिल पाएगी, ओके, एंड ये चीज आपके लिए भी है, आपको भी शांति से सोचना चाहिए एक बार को, ओके, आपको भी शांति से अकेले में बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहिए, ओके, एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, मून की एनर्जी इस चीज को भी डिफाइन कर रही है कि आपको थोड़ा साइलेंट हो जाना है इस टाइम पर, ठीक है, अगर ये पर्सन अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अगर एब्यूसिव हो रहे हैं ये पर्सन, या कुछ गलत एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, गलत बिहेवियर आपके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा साइलेंट रहने की जरूरत है, अगर आप इन्हें साइलेंट हो जाओगे या फिर आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे ना, आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि ये पर्सन खुद आपके पास वापस आएंगे, आपके सामने आएंगे और सब कुछ ठीक करना चाहेंगे, तो आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन को देनी चाहिए, उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आपके पार्टनर पर पड़ेगा। आप लोग हो, आप सेम डिवाइन जर्नी में हो सकते हो, आप डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो एक दूसरे के लिए, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर जिस पर्सन से आप डील करते हो वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, बट आप लोग एक कनेक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हो जैसा कनेक्शन आपने कभी किसी के लिए फील ही नहीं करा, ठीक है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपने किसी और के लिए फील ही नहीं करा,
और इस समय आप एक सेपरेशन की एनर्जी में चल रहे हो, जहां पर आप दोनों में या तो बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट है या फिर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नियर फ्यूचर में चीजें सही होंगी। ऐसा नहीं है कि नियर फ्यूचर में ऐसा ही रहने वाला है, नहीं, चेंज आएगा। देर इज अ चेंज, देर इज अ बैलेंस जो आ रहा है इस रिलेशनशिप में आ रहा है, ठीक है। तो चेंज तो आएगा, एंड चेंज इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया का, इस डिवाइन का, इस वर्ल्ड का नियम है, रूल है, चेंज तो आना ही है। और ये चेंज आएगा, और जब ये चेंज आएगा ना, तो बहुत ही पॉजिटिव सब कुछ होगा, ठीक है। सब कुछ पॉजिटिव होगा, आपको एंजेलिक नंबर्स दिखेंगे, आपको अच्छे अच्छे साइंस देखने को मिलेंगे, आपको हर जगह से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। सो जब ये चेंज आएगा ना, जब आपका वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो आप खुद, मतलब इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर हर तरफ से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। अभी तो आपके पार्टनर हैं स्ट्रांग इन्फ्लुएंस में है किसी थर्ड पार्टी के, ठीक है, जो वो अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, बट बहुत जल्दी ये अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट करना चाहेंगे अपनी गलतियों को। अभी तक तो डिनाई कर रहे हैं ना, डिनाइल फेज में है आपके पार्टनर, अभी तक डिनाई कर रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, मैं तो गलत नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो अभी तक तुम ही गलत हो, तुम आप पे ब्लेम करना, ठीक है, डिनाई करना अपनी मिस्टेक्स को। लेकिन ये उस स्टेज ऑफ लाइफ में भी आएंगे जहां पर ये एक्सेप्ट करना चाहेंगे इन चीजों को, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, एम्प्रेस है, पेज ऑफ कप है, फोर ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल है, ओके, सो दिस इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत लंबा रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, कोई मैं छोटा मोटा रिलेशनशिप यहाँ नहीं देख रही हूँ, बहुत लंबा रिलेशनशिप, यानी मोर देन ईयर, एक साल से भी ज्यादा आपका रिलेशनशिप रहा है। आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है, आपने इन्हें बहुत प्यार, बहुत केयर भी आपने इन्हें दी है, बहुत इमोशनली कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो गए थे इस पर्सन के साथ, ठीक है, और आप अपनी लाइफ कहीं ना कहीं इनके बारे में, इनके, इनसे दूर होकर जो एक अपनी लाइफ होती है ना, वो बिताने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन अपनी दुनिया था, ठीक है, यानी आपकी दुनिया। और जब आपको इनकी असलियत, इनकी हकीकत पता चली, कोई रियलिटी चेक जब आपको मिला ना, तो आपके पैरों तले जमीन निकल गई हूँ, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर पर ना को जैसे बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस करा गया है, ठीक है, वरना इनके दिल में बहुत प्यार और बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, ठीक है, तो इनको किसी तरीके से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया गया कि ये गलत एक्शंस लेने में चले गए, उस तरफ ही चले गए, ठीक है, गलत एक्शंस लेने पे जैसे ये मजबूर हो गए किसी के इन्फ्लुएंस में आकर। और यहां पर मैं देख रही हूं कि अब आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ इतनी दूरी बन गई है ना कि आप तक पहुंचना इनके लिए बहुत मुश्किल है। आपको लगता होगा कि बहुत ईजी है इस पर्सन के लिए, आए और मुझसे माफी मांगे, है ना, बट इनके लिए इतना इजी नहीं है कि अपनी ईगो, अपनी प्राइड को छोड़कर आपके पास आए और आपसे माफी मांगे। डेफिनेटली इनके लिए इजी नहीं है ये चीजें। यहाँ पर भी मैं एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहाँ पर आपने इतनी केयर इस पर्सन को दी है ना, इतना अपनापन आपने इस पर्सन को दिया है, हमेशा इनके लिए खड़े रहे हो, और इस पर्सन को अब वो सब चीजें याद आ रही हैं, ठीक है। ये इनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे अच्छा तो इन्हें अब कोई समझ ही नहीं सकता है, आपसे ज्यादा अपना तो कोई इनका है ही नहीं, ठीक है। आपके साथ जो एक फीलिंग आती है ना, ठीक है, वो फीलिंग इन्हें थर्ड पार्टी के साथ नहीं आती, ठीक है, किसी के साथ नहीं आती है। इनकी लाइफ में कितने ही लोग हैं, किसी के साथ नहीं आती है। इन्हें ये चीज़ भी नियर फ्यूचर में एहसास होने वाली है कि जो इनके आसपास के लोग हैं ना, इन्होंने उन पर ज़्यादा भरोसा करा, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ आप पर और अपने इस रिश्ते पर भरोसा करना चाहते हैं, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ अब इस रिश्ते पर भरोसा करना चाहते हैं, आपका भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपका भरोसा इतने हद तक तोड़ दिया है ना कि अब दोबारा आप इन पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचोगे,
ठीक है, और ये आएंगे आपके पास, आपके सामने आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, सब कुछ ठीक भी करना चाहेंगे, बस आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और इन्हें ये भी पता है कि आपका भरोसा जीतने के लिए इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इनके लिए आसान नहीं होगा आपका भरोसा जीतना। और इन्हें ये भी पता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना, तो आप एकदम से नहीं मानने वाले हो, इन्हें ये चीज़ भी बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। बट ये आपके पास आ सकते हैं, अपना विक्टम रोल प्ले कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे आकर अपना दुख, अपना दर्द, अपना रोना आपके सामने रो सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता सकते हैं। इन्हें लगेगा कि अगर ये अपनी प्रॉब्लम्स, अपना दुख दर्द आपको बताएंगे तो आप समझोगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ इनके साथ हो सकता है जहाँ पर ये अपना दुख दर्द, अपनी तकलीफ़ें आपको बताना चाहेंगे, एंड लिटरली आप इन पर यकीन भी कर पाओगे, आप इन पर भरोसा कर पाओगे, क्योंकि अब ये आपके पास अगर आ भी रहे हैं ना, तो एकदम प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, बहुत प्यार भरा हुआ है इनके दिल में आपको लेकर। और जो इनके अंदर अगर झांका जाए ना, ठीक है, तो इनके अंदर ये लिटरली तड़प रहे हैं अंदर से आपसे बात करने के लिए, ये तड़प रहे हैं अंदर से आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है, चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। चाहे ये ऊपर से आपको दिखा रहे हैं कि नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इनके अंदर एक तूफान मचा हुआ है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ये इस समय अपने करियर, अपने फाइनेंसेस के बारे में भी सोच रहे हैं ना, तो ये इसलिए सोच रहे हैं ताकि ये पर्सन आगे आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है, ताकि ये जो है आपके लिए कमा सकें, आपके लिए इतना पैसा इकट्ठा कर सकें या इतने फाइनेंशियल स्टेबल हो सकें कि कल को ये आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकें या आपकी फैमिली के सामने आकर आपका हाथ मांग सके, ठीक है। सो ये अपने आप को इसलिए भी फाइनेंशियल स्टेबल और करियर में, करियर ओरिएंटेड बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको? तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं सारी होप्स एक बार को तो खो चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, और ये फ्यूचर को लेकर अभी तक श्योर नहीं है। मैंने कहा ना, इनको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा। मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप किसी तरीके से गलत थे, ठीक है, तो ये आपको भी माफ़ करना चाहते हैं। आपको याद कर कर ये पर्सन बहुत गाने सुन रहे हैं, ठीक है, सैड सॉन्ग सुनना, या फिर आपने कोई सॉन्ग्स इन्हें डेडिकेट करे हों तो वो सुनना। तो यस, ये पर्सन आपको याद करते हुए कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स भी हो सकता है कि सुन रहे हैं, या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये जो दूरी आप दोनों के बीच में आई है ना, इस दूरी की वजह से वो आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को समझ पाए हैं। ये कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो इनके लिए, कितने स्पेशल हो इनके लिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों आप इनसे चुप हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, या ये चीज़ें ये आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्यों आप तुम मुझे चेज नहीं कर रहे हो, क्या आप तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो ऐसा भी इनको कई बार महसूस होता है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज हैं। आई होप सो कि आपके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट करी होंगी। अगर हाँ, तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर।